सोलास के स्टार विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी वाले कॉइन्स में शिबा इनू डोज कॉइन बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर शिबा इनू ने 10 रैंक यहाँ पर अपना सुधार लिया है, 48 से 37 आ गया है, 10-11 रैंक का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिला है, 25 से 35% का रिटर्न हमें देखने को मिला है यहाँ पर। इसके बाद में नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं स्टैटिक्स के बारे में बात कर ली जाए, जहाँ पर भाई साहब ट्रेडिंग वॉल्यूम 214% अभी तक भी प्लस में है, तकरीबन 6-7 घंटे हो गए और सुबह था लगभग 273% के तकरीबन था, और ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी 214% हमारे सामने प्लस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में मार्केट कैप में 23% का बढ़ोतरी हुआ है और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप में 25% का बढ़ोतरी हुआ है। यस्टरडे का दे दिया है 24%, अभी का दिया है 24%, तो 50% तो यहीं पर हो रहा है। 15% और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा किसकी वजह से हमें यहाँ पर मिला है, अगर यहाँ पर यह वापस टच करे तो लगभग यहाँ पर 10% का और मान लीजिए मतलब 60 से 70% का रिटर्न मिला है मात्र हमें यहाँ पर 2 दिनों में। उसके बाद में यहाँ पर इस साइट के बारे में बता दूँ, कई लोग पूछ रहे हैं कि यह अर्निंग प्रूफ है या नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा प्रमोशन वॉलेट है यहाँ पर मात्र इतने यहाँ पर देख सकते हैं कितने मेरे को टोकन से मिल सके हैं, 921 टीआरएस केवल आज की अर्निंग है, डेली के लगभग 400-500 डेली के टीआरएस निकल रहे हैं, और यहाँ पर बेसिक वॉलेट से भी डेली के बहुत तगड़े टीआरएस निकाल रहा हूँ, 10,000 जैसे मैंने यहाँ पर डाल के रखे हैं, उसकी वजह से मात्र डेली के 300 टीआरएस मैं डेली के यहाँ पर विड्रॉ कर सकता हूँ, जितने टीआरएस डालोगे उसका 3% यहाँ पर आप विड्रॉ कर पाओगे, और प्रमोशन वॉलेट में वो आएंगे जो लोगों का आपने यहाँ पर शेयर किया। इसके बाद में ट्विटर पर कुछ बड़े अपडेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर मैंने सुबह एक पोस्ट देखा जहाँ पर लिखा गया था शिबा आर्मी वी बर्न 500 ट्रिलियन क्वांटिटी ऑफ द सिब एंड ऑफ द दिस ईयर लेट्स बर्न सिब सप्लाई वगैरह वगैरह वगैरह, यह कह रहे हैं कि हम इसी साल के अंत तक शिबा की 500 ट्रिलियन सप्लाई अर्न बर्न करने वाले हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें भ्रमित होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 500 ट्रिलियन सप्लाई एंड हो गया तो 400 ट्रिलियन पहले से भी एंड है, हमारे पास मात्र 100 ट्रिलियन बचेगा, मतलब हर एक कॉइन सर्कुलेशन में आ जाएगा और शिबा इनू का प्राइस एंड ऑफ दिस ईयर 10 पैसे से ऊपर होगा, ये तो मैं खुद भी कह सकता हूँ, क्योंकि 500 ट्रिलियन बहुत 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 ज़्यादा होता है, कल ही 3-4 0 हमारे खत्म हो जाएंगे डॉलर वाले, तो ये एकदम मेरे हिसाब से संभव अभी तक तो एकदम भी नहीं है। इसके बाद में देख सकते हैं शिबा इनू का जहाँ पर ऑल द टाइम हाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है वो है लगभग शिबा इनू का 36.14% और यह 40% तक भी जाकर आया है, मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि तकरीबन 2 दिनों में इसने 60 से 70% का रिटर्न दिया है। इसके बाद में सी बोरलिस को यहाँ पर बर्निंग कर दिया गया है, बर्निंग हो चुका है, जहाँ पर रियो से पहले कहते थे सिब इन्फॉर्मर्स आए तो उसके जब बर्निंग तो करना ही नहीं है, ये लो कर दी, शिबा की भी कर दी, लीज की भी कर दी, जो लोग कह रहे हैं कि मात्र $25,000 की बर्निंग करने से कुछ नहीं होगा, तो उनको एक बता दूं कि जो लोग पहले कहते थे कि बर्निंग करना ही नहीं है जैसे सायतोशी गोसाई में, उन्होंने भी किया है $25,000 का आज किया है, तो कल ना कल $50,000 का और करेंगे, आज अगर किया है उन्हें प्रॉफिट देखने को मिला है तो आगे भी करेंगे, इतनी सारी सप्लाई का करेंगे क्या। उसके बाद में शिबा स्वाप को देख सकते हैं, सभी रैंक सुधर चुका है और सबसे ज़्यादा टॉप पर चल रहा है शिबा का शिबा स्वाप, 22.77% ज़्यादा स्टेकिंग यहाँ पर हुई है, एथेरियम के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर 22.77% का प्रॉफिट है और 1.2 बिलियन मतलब 500 मिलियन अराउंड से भी ज़्यादा वापस टोटल वॉल्यूम इनका लॉक हुआ है। और जो लोग कह रहे थे कि शिबा स्वाप कुछ नहीं है, वहाँ पर देख सकते हैं शिबा स्वाप मात्र 32 दिन का हुआ है और यहाँ पर लिक्विडिटी देखिए भाई साहब गिनी नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड वगैरह करवा दी है। तो ये थी हमारी सभी खबरें अबाउट द शिबा इनू कॉइन, जो भी अपडेट था अभी तक हमने कवर कर लिया है, माइनिंग की साइट चेक करनी है, पूरा डिटेल चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो पर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद जय भारत।